हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी करेक्शन के बारे में, जो कि नया नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने करेक्शन अभी तक नहीं कराया तो करेक्शन करवा लें, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन एज ए रिमाइंडर आपको सबसे पहले और फ्री में मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन PDF भेजी गई है। अगर आपने इस PDF को अभी तक नहीं देखा है, पढ़ा है, तो इसका लिंक, सीधा लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, मेरे आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो गई, मैंने गलत नंबर डाल दिया, लेकिन फिर भी मेरे मेरिट लिस्ट आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सर, मैंने गलत रोल नंबर डाल दिया अपने 10th का, अब क्या होगा? मेरा फादर्स का नेम गलत हो गया, अब क्या होगा? क्या काउंसलिंग में भाग ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, आपकी ही हेल्प के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपकी जो मेरिट जारी की गई है वो 10th और 12th के आपने जो उसमें मार्क्स ऐड किए हैं उसी के आधार पर जारी की गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी आपने गलत डाल दिया है, तो आपके लिए उसमें सुधार आप कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि सावधानी से अपनी प्रविष्टि का अध्ययन कर लें। यदि प्राप्तांकों या अन्य किसी सूचना में संशोधन हो तो अपनी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ID के साथ संबंधित प्रपत्र संलग्न कर ईमेल ID cpsp@uttarpradeshstatemedicalfaculty.org पर 15 सितंबर तक भेजकर संशोधन करवा सकते हैं। इसके बाद कोई भी संशोधन नहीं कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी कमेंट आ रहे थे उनमें बहुत सारे ये कमेंट थे कि सर, मैं इसमें संशोधन कैसे करवा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर किसी कैफ़े वाले के पास या लैपटॉप पर आपको ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में जब ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद एक 2 का ऑप्शन आता है, तो 2 के ऑप्शन पर आप यहाँ डाल देंगे cpsp@uttarpradeshstatemedicalfaculty या upsmfac.org। उसके बाद में आप डाल देंगे, वहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर आपके आधार, माना कि आधार कार्ड में गलती है, तो आप डाल देंगे अबाउट करेक्शन इन माई आधार नंबर। उसके बाद में कंपोज करेंगे ईमेल। कंपोज करने में लिखेंगे सर, वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म आई मिस्टेक इन आधार कार्ड नंबर, माई रियल आधार कार्ड नंबर इज, आप अपना सही से आधार नंबर लिख देंगे। प्लीज करेक्ट माई आधार नंबर एज ए प्रूफ आई गिवन ओरिजिनल आधार कार्ड इन बॉक्स। तो आप अपना आधार कार्ड का जो PDF अथवा JPG साइज करके उसमें ईमेल में ऐड करके, और ये बता दूँ आपको, आपको यहाँ पर 15 सितंबर से पहले ही इसे करवा लेना है, और आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये, आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ID भी जान लेंगे। सर, माई नेम इज .. उसके बाद माई उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इज ID इज, आपको ID डाल देनी है। फिर उसके बाद में आपको जो भी करेक्शन करना है उसके बारे में लिख लेना है, और एज ए प्रूफ आपको असली प्रपत्र, आपके असली डॉक्यूमेंट आपको उसमें संलग्न कर देने हैं और भेज देना है। आप 15 सितंबर तक ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। अगर आपने 15 सितंबर तक ऑनलाइन संशोधन नहीं कराया तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी, उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। अगर फिर भी आपने कुछ अपने फार्म में गलती पाई है तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द संशोधन करवा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका एडमिशन ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी, तो जल्द से जल्द आप
संशोधन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अभी तक जिन्होंने संशोधन नहीं करवाया वो संशोधन तुरंत करवा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।